हेलो दोस्तों, मैं सुजीत। आज आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप एमएस वर्ड के फाइल को पीडीएफ में कैसे सेव करें। इसके लिए सबसे पहले आप एमएस वर्ड को ओपन कर ले। एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए सबसे पहले आप विंडो प्लस आर क्लिक करें, फिर विन वर्ड टाइप करें, उसके बाद ओके क्लिक पे क्लिक करें। उसके बाद इसमें अगर आपको ब्लैंक लेना है तो आप ब्लैंक ले लीजिए। उसके बाद इसमें आपको जो भी टाइप करना है टाइप कर लीजिए, या आप पहले से कोई एमएस वर्ड का फाइल आप बना कर रखे तो आप उसे सिंपली ओपन कर लीजिए। जैसे कि मेरा यहाँ बहुत सारा एमएस वर्ड का फाइल ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं इसमें से किसी एक को ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए मेरा पूरा का पूरा फाइल बना हुआ है, इसे मुझे पीडीएफ में सेव करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ फाइल में जाना होगा, उसके बाद यहाँ सेव एज का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको इसको जहाँ भी सेव करना है उस फोल्डर को आप सेलेक्ट कर लीजिए। सो मैं जहाँ से ओपन किया था मैं उसी फोल्डर को सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ आपको जो फाइल का नाम देना है आप फाइल का नाम दे दीजिए। उसके बाद है सेव एज टाइप, ये आपका वर्ड डॉक्यूमेंट में शो कर रहा है बट हमें पीडीएफ में सेव करना है, इसलिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारा ऑप्शन ओपन हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा नीचे जाइएगा तो आपको पीडीएफ दिख रहा होगा, सिंपली आप इस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ सेव कर दीजिए, ये आपका पीडीएफ में फाइल सेव हो चुका है। ये देखिए ओपन भी हो गया आपका पीडीएफ में सेव होकर, या आप चाहें तो आप वहां से जाकर देख भी सकते हैं। देखिए ये आपका पीडीएफ में सेव हो चुका है। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक।